अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बच्चों और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जिस बात को लेकर बैठे हैं वो आप सबने सुनी होगी। जिस तरह से अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने एक गाना तो लाजमी सुना होगा, आप कह सकते हैं कि नहीं, हमने कई गाने नहीं भी सुने। तो अगर मैं कहूँ कि गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, तो ये सबने सुना है। इसी तरीके से इस गाने की तरह एक सवाल आप सबने सुना होगा, और वह सवाल ये है कि मुर्गी पहले आई या अंडा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई गई, दिखाई गई, और आपने देखी भी होंगी जिनमें ये कभी तो कहा गया कि मुर्गी पहले आई, कभी कहा गया कि अंडा पहले आया, अंडा का ज़्यादा जिक्र मिलता है हमें। तो आज हम इसका डेफिनेट आंसर आपको बताने वाले हैं। तो इस मुर्गी और अंडे की लड़ाई को हम थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो हम इस क्वेश्चन की सबसे पहले हिस्ट्री देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में किन किन से पूछा गया और किस किस आदमी ने क्या क्या जवाब दिया। ये सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले अरस्तु से भी पूछा गया, जो तकरीबन 322 BC में उसकी डेथ हुई। तो उसने तो अपनी जान बड़ी आसानी से छुड़वा ली, और उसने ये कहा कि अंडा और मुर्गी दोनों एक ही वक्त में मौजूद थे। इसी तरीके से अफलातून भी इसी तरह का ख्याल रखता था कि दोनों एक ही वक्त में मौजूद हैं, क्योंकि साइंस में एक ख्याल ये पाया जाता है जिसको सर्कुलर रेफरेंस कहते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ को, किसी पैरामीटर को देख रहे हैं, तो हमें पहले से ही उस पैरामीटर का पता होना चाहिए। यानी अगर हम मुर्गी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पहले से ही मुर्गी मौजूद थी। अगर हम अंडे के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि अंडा पहले से मौजूद था। तो वो इस वे में वो ये कह देते हैं कि दोनों पहले से ही मौजूद थे। इनके बाद यही सवाल स्टीफन हॉकिंग से पूछा गया। स्टीफन हॉकिंग जो आइंस्टाइन का पेशो समझा जाता है, उसने ये कहा कि पहले अंडा आया। और एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है क्रिस्टोफर लैगन, उसने भी अंडे को प्रेफर किया कि अंडा पहले आया। उसके अपने नतीजे जो थे वो ये बताए कि अंडा पहले आया। ये दोनों साइंटिस्ट इस जहन में रखिएगा कि ये दोनों साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका आईक्यू लेवल 200 तक था। उसके बाद डार्विनिज्म ने भी एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जो चिकन है, मुर्गी है, ये किसी नॉन चिकन से पैदा हुआ, यानी उस नॉन चिकन के डीएनए में कुछ म्यूटेशन हुई और फिर वो चिकन बन गया। तो यहाँ से हमें ये भी इशारा मिला कि शायद चिकन पहले पैदा हुआ। तो ये तो एक साइंस की थ्योरी थी जो इसकी हिस्ट्री आ रही है। अगर हम रिलीजन की बात करें, मज़हब की बात करें, तो मज़हब ने भी इसके बारे में कोई एक राय हमें नहीं दी। मुख्तलिफ मज़ाहिब में इसके बारे में मुख्तलिफ है। जैसे कि बाइबल में चैप्टर 1, जेनेसिस के चैप्टर 1 वर्स नंबर 28 में है कि उसमें शुक्र अदा करने का कहा गया है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और उसमें बर्ड्स की बर्थ के बारे में या बर्ड्स की पैदाइश के बारे में बताया गया। तो वहाँ से भी हमें ये अंदाज़ा लगता है कि शायद मुर्गी पहले आई। इसी तरह से हिंदू मत में और बुद्धिज़्म में भी उसका हवाला है। वो ये कहते हैं, उनका अकीदा ये है कि एक सर्कुलर टाइम है, मतलब एक व्हील ऑफ टाइम है। इसमें ना तो मुर्गी पहले आई ना पहले अंडा आया। कि मुर्गी है तो फिर उसके बाद अंडा आ गया, अंडा ख़त्म हुआ तो मुर्गी आ गई। तो वो एक सर्कल है। वो इस चीज़ को मानते हैं कि एक नस्ल ख़त्म होती है तो फिर दूसरी आ जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो ये उनका ख्याल है कि वो नहीं मानते कि पहले अंडा है या मुर्गी आई है। लेकिन इस पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए जुलाई 2010 में बरतानिया के साइंसदानों ने सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए स्टडी किया। तो उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया एक प्रोटीन को, जिसे ओवोक्लेडियन 17 का नाम दिया, शॉर्ट नेम उसका OC17 है। उन्होंने देखा कि ये प्रोटीन अंडे का जो शेल होता है, एग शेल, उसको बनाने में और उसके प्रोसेस को स्पीड अप करता है।
और उस पर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनाने में हेल्प आउट करता है एक्चुअल के बनने में। और ये प्रोटीन सिर्फ मुर्गी के ओवरी में पाया जाता है और कहीं पाया नहीं जाता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुर्गी नहीं होगी तो अंडा प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, अंडा बन ही नहीं सकता, क्योंकि अंडे के लिए जरूरी है एक्शन होना और एक्शन के लिए जरूरी है एक प्रोटीन OC17 जो सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है मुर्गी के ओवरी में पाई जाती है, मुर्गी के पेट में पाई जाती है। तो अगर आपने अभी तक ये वीडियोस देखी हैं, जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं तो उनके साथ मुझे बड़ी हमदर्दी है, और लेकिन उन्होंने ये कंफर्म कर दूँ उनको कि पहले मुर्गी प्रोड्यूस हुई और उसके बाद वहाँ से अंडा जनरेट हुआ। तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका हमारी वीडियो देखने का। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।